नमस्कार दोस्तों, दिस इज वरलक्ष्मी सुनील कुशवाहा। दोस्तों मैं भी जंगल जा रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये क्या सुंदर नज़ारा है, आपको दिख रहा होगा पूरा। दोस्तों ये जंगल बहुत घना जंगल है, आप देख सकते हो कितना घना है। मैं अंदर जा रहा हूँ आपको, और क्योंकि मैं अकेला हूँ, कोई वीडियो बनाना है नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही शूटिंग सब कुछ करनी पड़ रही है। साथियों, इस प्रकार से जंगल में जाना हमेशा से खतरनाक होता है। आपको जंगल में जाते टाइम अपनी आंखें और आपके कान बिल्कुल खुले रखने होंगे, क्योंकि खतरा जंगल में कभी भी हो सकता है, इसलिए बने रहिएगा एंड तक। तो साथियों मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूँ जंगल के, और मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि बहुत घना जंगल है, ये बिल्कुल प्लेन एरिया है। दोस्तों ये है पहाड़, जो पहाड़ है उसको दोस्तों ऐसे पहाड़ है, उसी पर पेड़, कितने बड़े पेड़ देख रहे हो आप पहाड़ की ढलान पर। तो ये जो जंगल है वो कुछ अलग ही प्रकार का है, और ऐसे जंगलों में आपको दूसरी चीज़ों से बहुत सावधान रहना पड़ता है। पहली चीज़ जो दोस्तों है वो है सांप। दोस्तों पथरीले एरिया, आप देख सकते हो कितना पथरीला एरिया है, और इन्हीं पता चले हो मैं करें तो नाम का एक जहरीला सांप रहता है। और दोस्तों वो ऐसा सांप है कि आपको काट लिया तो आपको पता नहीं चलेगा आपको सांप ने काट लिया, बस हल्का सा दर्द होगा आपको, हल्का हल्का फील होगा कांटे जैसा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों आइए बताता हूँ मैं आपको यहाँ की कौन सी प्यारी सी प्रजाति है। तो दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे जो दिख रही है वो है एक दुधी। दुधी आप देख सकते हो, ये दुधी है, यहाँ देखिएगा, ये जो आप देख रहे हो दोस्तों ये देखिए, इसको बोलते हैं दुधी। आप ये इसकी फरी देख रहे हो, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देखिए दोस्तों, ये है क्या दोस्तों, ये दुधी है। क्यों इसका नाम दुधी है दोस्तों, जैसे मैं इसको तोड़ूंगा ना, कहीं से भी तोड़ूंगा, आप देख सकते हो इसमें से दूध निकलता है। ये दोस्तों खाने वाला दूध नहीं है, एक्चुअल में ये थोड़ा बेनमस होता है, हल्का सा जहरीला होता है। साथ ही इसके हल्की से बेनमस के चक्कर में जो जंगल के जो जनजाति वगैरह होती है वो इसका जो यूज है वो एंटीबायोटिक के रूप में भी करती है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी करती है। जब चोट वोट लग जाती है तो उस दूध को लगा लेते हैं, वहाँ पर दोस्तों इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये दूधी का पेड़ है, और इसी दूधी के पेड़ आपके जो बेलन जो होते हैं, बेलन जिस रोटी बनाते हैं घर में, वो इसी दूधी के बेलन के, इसी दूधी की लकड़ी से बनाए होते हैं, जिससे भी आप कभी कभार पिटाई भी खाते हो अपनी बीवी के हाथों। आइए दोस्तों आपको जंगल में और दिखाता हूँ, देखिए कितना सुंदर जंगल है हमारा। जंगल तो है बहुत घना, लेकिन दोस्तों मज़ेदार बहुत है। दोस्तों मैं भी निकल के यहाँ आ गया हूँ, आप देखिए क्या, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक प्लेन एरिया नहीं है, ये पूरा एक पहाड़ है। देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे पूरा ऊपर चढ़ गया, ठीक है। ये पेड़ देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, ठीक है। ये पेड़ देखिए, आपको लंगूर की आवाज़ यहाँ देखिए, ये दोस्तों आपको पेड़ यहाँ से स्पष्ट दिख रहे होंगे कि क्या सुंदर सुंदर। तो वैसे दोस्तों आए तो हम लोग सुबह थे, लेकिन अब हो चुकी है शाम, और शाम का दोस्तों यहाँ का जो नज़ारा है नीचे का बहुत सुंदर होता है। देखिए वापस जाने का नज़ारा मेरा, देखिए शाम का, आप इस नज़ारे को देख के ही आप कहोगे कि ये जन्नत है। देखिए दोस्तों कैसा कैसा फील हो रहा है आपको, सूर्य दिख रहा है कि नहीं आपको, हल्का सूरज भी दिख रहा होगा। देखिए वो पत्तों के पेड़ों के बीच में नीचे कुछ पानी भरा है, और ये एरिया दोस्तों यहाँ पर क्यों पेड़ नहीं, क्योंकि ऊपर यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ ऊपर देखिए आप, यहाँ से ऊपर से नीचे धूप नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पौधे कम पनप पाते हैं, जो बड़े हो गए हैं वही यहाँ पर बने रहते हैं। अभी मुझे एक पेड़ पर निशान मिले हैं कुछ, आप मुझे बताइए किसके निशान हैं। आप ये देख सकते हो, ये आप देख रहे हो, ये जो चार, ये देखिए, आप मुझे बता सकते हो काई के निशान है, कोई अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो। दोस्तों ये हो सकते हैं एक भालू के निशान, ठीक है, क्योंकि भालू पेड़ पर कभी कभार ऐसे निशान मारता है। आगे भी कुछ मुझे और दिखेंगे, मैंने बहुत जगह देखे थे, और वापस आते में भी मुझे कहीं ना कहीं तो दिखेंगे, वो आपको और दिखाऊंगा मैं। दोस्तों मुझे यहाँ फिर से देखिए, देखिए, और इनकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल ताज़ा, आप देख रहे हो ये जो निशान है बिल्कुल ताज़ा है। तो साथियों यदि आपको कहीं ऐसे निशान मिले तो आप उस एरिया से जल्दी से दूर भाग जाइए, क्योंकि वो एरिया होता है तेंदुए का या भालू का। ये देख सकते हो दूधी की फली फिर से मिल गई है, और अब दोस्तों मुझे लगता है कि मेरा जो रोड है वो भी आ चुका है और मुझे जाना चाहिए। आप देखिए ये कितना सुंदर नज़ारा है, मेरी बाइक खड़ी हुई है, और वहाँ पर देखिए रोड पर कौन से जानवर जा रहे हैं, मुझे बताइए कौन से जानवर हैं वो। देखिए जूम कर दूँ थोड़ा सा, जूम नहीं हो रहा है, जूम हो गया, मुझे बताइए कौन से जानवर जा रहे हैं रोड पर, वो बता सको तो। तो साथियों बस यही हमारे वर्णाचक की प्यारी वाली लाइफ होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं वर्णाचक आपको ऐसा ही आपको प्यार प्यारा मनोरंजन कराता रहूँगा अपने चैनल के थ्रू। तो गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जवाब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। मैं चलता हूँ अपने घर, बढ़िया खाना खाएंगे और मस्त रहेंगे। यहाँ देखिए नीचे आ चुका हूँ मैं, और ये बंदर देखिए, बंदर ये देखिए, अरे इनके हाथ में मेरा मोबाइल पड़ गया तो ले ही जाते हैं वापस, मोबाइल भी नहीं करते ये वापस। देखिए हेलमेट ना ले जाए मेरा, बस हेलमेट ना ले जाए। चलिए चलते हैं, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेक केयर।